नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। सिस्टम की चुनौती बना पशुओं में लंपी रोग, संसाधनों के अभाव का भी दंश अभी भी बरकरार। नकल माफिया शशिकांत का राइट हैंड कुमाऊं का शिक्षक गिरफ्तार, 40 छात्रों को दिया था पेपर। कल रुद्रपुर में जहरीली गैस का रिसाव, SDM समेत 34 लोगों की तबियत बिगड़ी। पथरी के युवक की धारदार हथियार से गला रेत कर हुई हत्या, सड़क किनारे फेंका मिला शव। 2 सितंबर तक बिगड़ा रहेगा मौसम, पहाड़ी इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट। उत्तराखंड भाजपा में शामिल हो सकते हैं पूर्व मंत्री दिनेश धन्ने, अटकलों का बाजार अभी भी गर्म। विधानसभा में रिश्तेदारों की भर्ती के मामले पर कांग्रेस ने दिल्ली में उठाया मुद्दा, की CBI जांच की मांग। विधानसभा भर्ती पर हरीश रावत ने तोड़ी चुप्पी, कुंजवाल का किया बचाव, प्रेमचंद की नियुक्तियों पर उठाए सवाल। उत्तराखंड में पर्यटन को लगेंगे नए पंख, 33 नए पर्यटक स्थलों पर बनेंगे हेलीपैड और हेलीपोर्ट, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। PCS मेस के बाहर हुई दूसरे राज्य की महिलाओं के हक में हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला। कोर्ट ने नए सिरे से कट ऑफ लिस्ट तैयार करने के दिए निर्देश। ज्ञानवापी मसले पर धमकी के बाद विसेन ने टाली सुनवाई, हिंदू पक्ष ने कहा 5 सितंबर को कोर्ट आएंगे तो हो सकती है अनहोनी। प्रयागराज में बाढ़ के बीच गंगा में नाव पर हुई मटन हुक्का पार्टी, मौनी बाबा भड़के, बोले संगम नगरी में ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में होगी 10,000 भर्तियां, योगी कैबिनेट ने 15 प्रस्ताव किए पास। मेरठ में सनसनीखेज वारदात से दहला शहर, PNB बैंक के मैनेजर की गर्भवती पत्नी और बेटे की हुई हत्या, बेड में बंद किए मिले शव। उत्तर प्रदेश के शामली में फिर दागदार हुई खाकी, थाने में भिड़े इंस्पेक्टर और दारोगा, खूब हुई हाथापाई, SP ने जांच बिठाई। प्रयागराज में डबल मर्डर के आरोपी ने जेल से फोन पर गवाह को धमकाया, मुकदमा हुआ दर्ज। उत्तर प्रदेश में अवैध पार्किंग के खेल पर लगेगी लगाम, बड़े शहरों में पार्किंग के लिए एक समान होंगे नियम और शुल्क। UP में ड्रग माफिया के खिलाफ अभियान जारी, 6 दिन में 4,060 गिरफ्तार, 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का नशा बरामद। प्रयागराज के करेली में भूमाफियाओं का कारनामा आया सामने, अतीक अहमद की कुर्क जमीन पर भी बना दिया मकान। और काशी विश्वनाथ धाम के तर्ज पर बांके बिहारी मंदिर में भीड़ नियंत्रण, आगे की कार्रवाई के लिए पूर्व DGP ने जाना क्राउड मैनेजमेंट। सुर्खियों में आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।